Welcome to the online lecture of Sharad B. Murray English School. Okay, so students, in last lecture I have explained you how to add the numbers by carrying over. Okay, carry करके आप कैसे numbers को add करोगे इसके पहले वाले lecture में हम लोग ने समझे थे. Okay, now based on that explanation we have to solve these examples. Okay, so now let's revise once the method. Now look here, 2, 3, 23, right? Two tens and three units, so it will make the number 23. And one ten and seven units will make 17. So आपको 23 और 17 को क्या करना है? Add करना है. So सबसे पहले आप क्या करोगे? Always you will add the unit digits first. Okay? तो आप क्या करोगे? पहले unit digits means 23 का unit digit 3, right? And 17 का unit digit 7. So you will add these two unit digits. 7 plus 3, 10. So आप क्या करोगे? सो 7 plus 3 is 10. तो आप क्या करोगे? आप 10 में टू डिजिट्स होते हैं, राइट? सो आप टू दोनों भी डिजिट्स यूनिट्स प्लेस पे नहीं लिख सकते, राइट? तो आप क्या करोगे? जो उसका यूनिट डिजिट है 0 वो आप लिखोगे और 1 को कैरी कर दोगे. सो दैट इज द मेथड. ओके, मींस आप यूनिट डिजिट लिखोगे और जो टेंस डिजिट है वो टेंस डिजिट के कॉलम में कैरी कर दोगे. अब उसके साथ में जो नंबर्स है वो जो नंबर्स है 2 और 1 उसके साथ में उसको ऐड करना है आपको, ठीक है? नाउ लुक हियर, 2 plus 1 is 3 एंड 3 में आपको फिर वो कैरी भी ऐड करना है. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू ऐड दैट. सो 2 plus 1 3 3 plus 1 4. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फाइनल आंसर आपका क्या आएगा टेंस में? 4. मींस 4040 इज द फाइनल आंसर. 23 plus 17 इज व्हाट? 4040. ओके, गॉट इट? सो नाउ लेट्स ऐड द गिवन नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 1. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टू नंबर्स है, 3, 10 and 6 units. So 3 tens and 6 units will make 3 6 36. Okay, 3 6 36. So आपको क्या करना है? 36 में next number add करना है. So here it's 2 tens and 5 units. So 2 tens and 5 units is 25. So 35 में आपको 36 में 25 आपको क्या करना है? ऐड करना है. ओके, थर्टी सिक्स प्लस 25. सो नाउ लुक हियर, यूनिट्स प्लेस पे 6 है एंड 5 है. तो आपको क्या करना है? 6 और 5 को ऐड करना है. ओके, सो 6 प्लस 5 11. तो नाउ 11 इज द टू डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर है ना 11 में. तो आप क्या करोगे? यूनिट डिजिट पे जो 1 है वो यहाँ पे लिखोगे और जो रिमेनिंग 1 है वो क्या करोगे? टेंस प्लेस पे कैरी कर दोगे, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे 3 plus 2 5. देन 5 में आपको क्या करना है? वो जो कैरी है वो क्या करना है? ऐड करना है. ओके, वो लाया क्या? सो 5 plus 1 6. ओके, नाउ 6 1 61. ओके, मीन्स आपको 36 में 25 क्या करना है? ऐड करना है. सो 36 प्लस 25 इज व्हाट? 61. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question, 32 plus 28. Okay, now look here. There are 3 tens and 2 units, right? 32 में. And 28 में 2 tens and 8 units. So now you have to add 32 and 28. So आप units place पे जो 2 और 8 है वाले वो ऐड करोगे. So 2 plus 8. 2 plus 8 is what? 10.
Now look here, 10 is again 2 digit number, so you will write here only unit digit 0 and 1 you will carry. Okay, so now 3 plus 2 5, and then you will add this carry digit in 5. 5 plus 1 6. So now 6 0 60 means 32 plus 28 is what? 6 0 60. Okay, next question. 47 plus 5. Okay, now आपको 47 में 5 add करना है. So first units place पे 7 plus 5. 7 plus 5 is what? 12. So 12 is again the 2 digit number. Okay, 2 digit number है. तो यहाँ पर आप जो first है 2, वो क्या करोगे? पहले लिखोगे और जो second digit है 10th digit वो carry करोगे. Carry. Okay. So now 4 plus 1, 4 plus 1, 5. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 5 लिखोगे 10th place पे. Means 47 plus 5 is what? 52. 5 to 52. Okay. Okay. Next question. Number is 6, 8, 68. And next 2 tens and 2 units means 2 to 22. आपको 68 में 22 क्या करना है? Add करना है. Okay. So first आप क्या करोगे? Unit digits add करोगे, right? Unit digits क्या कौन कौन से है? 8 and 2. 8 plus 2, right? So 8 और 2 जब आप add करोगे, so you will get 10, right? 8 plus 2 is what? 10. So 10 में आप अभी देखो दो digits है ना? 10 में भी दो digits है. तो आप क्या करोगे? जो फर्स्ट है यूनिट वाला वो यहाँ पे लिखोगे एंड जो टेंथ डिजिट है वो कैरी करोगे. ओके, सो 8 प्लस 2 10, तो यहाँ पे 0 लिखे आपने और 1 कैरी कर दिया. नाउ 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 9, 9 0 90 मीन 62. Six plus two, 8 plus 1 9, so 9 0 90 means 68 plus 22 is what? 9 0 90. Okay, got it. Now look next question. Next question is 4 tens 4 units means 44, and 4 tens 8 units means 48. So what you have to do? You have to add the number 44 and 48. आपको क्या करना है? 44 और 48 को एड करना है. ओके, सो नाउ 44 में यूनिट डिजिट कौन सा है? 4, एंड 48 में यूनिट डिजिट 8. सो नाउ 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 12. ओके, 4 प्लस 8 12. सो अब 12 में भी दो डिजिट्स है ना, तो आप क्या करोगे? पहले जो यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट लिखोगे, राइट? एंड जो रिमेनिंग है, जो 1 है, उसको क्या करोगे? आप यहाँ पे कैरी करोगे. गॉट इट? सो नाउ 4 plus 4, 4 plus 4, 8, right? 4 plus 4 is 8, and you will add the carry number also. So 8 में आप करोगे जो carry करे आपने है ना 1, उसको भी add कर दोगे. So 8 plus 1, 9. So here it is 9 to 92. Okay, 44 plus 48 is 92. Okay. Okay, next question. 38 plus 14. Okay, 38 में आपको क्या करना है? 14 add करना है. So now look here, 38 में unit digit क्या है? 8. And 14 में unit digit 4. Right? So आप क्या करोगे? 8 plus 4. 8 में आपको क्या करना है? 4 add करना है. Okay, so 8 plus 4. Eight plus 4, 12. Okay, 8 plus 4 is 12. 12 में क्या करना है आपको? दो डिजिट्स है, राइट? तो आप क्या करोगे? टू यूनिट प्लेस पे लिखोगे और 1 कैरी करोगे, राइट? सो 3 plus 1, 4, राइट? 3 plus 1, 4. 4 में आप क्या करोगे? जो कैरी डिजिट है वो भी ऐड करोगे. सो 4 plus 1 is 5.
सो 5 टू 52, ओके. सो नाउ मींस 38 प्लस 14 इज व्हाट, 5 टू 52, ओके. व्हाट इट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, 71, 19. अब क्या करना है आपको, 71 और 19 को ऐड करना है, ओके. सो 71 में यूनिट डिजिट है 1 एंड 19 में यूनिट डिजिट है 9. सो आप क्या करोगे, 9 और 1 को ऐड करोगे. सो 9 प्लस 1 10, है ना. अब देखो 10 जो है वो भी क्या है, टू डिजिट नंबर है, राइट. तो उसमें से भी आप क्या करोगे, 0 पहले लिखोगे, है ना, और जो 10th डिजिट है उसको कैरी कर दोगे, राइट. सो हियर 9 प्लस 1 10, 0 लिखो आप और यहाँ पे 1 कैरी कर दो, ओके. सो 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8 में आप क्या करोगे, वो जो कैरी डिजिट है उसको भी ऐड कर दोगे. 8 प्लस 1 9, राइट. सो हियर यू विल राइट 9, मीन्स 71 प्लस 19 इज व्हाट, 90, 90, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 प्लस 37, ओके. नाउ लुक हियर, 25 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 5. And 37 में यूनिट डिजिट है 7, राइट. सो नाउ 5 प्लस 7 आप क्या करोगे, 5 में 7 ऐड करोगे. सो 5 प्लस 7 12, राइट. सो नाउ 12 इज अगेन टू डिजिट नंबर, सो 2 यू विल राइट हियर एंड 1 यू विल कैरी, ओके, एट 10th प्लेस. नाउ 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 में आपको क्या करना है, देन ये 1 ऐड करना है, 5 प्लस 1 6, ओके. सो नाउ इट्स 6 टू 60 2 means 25 plus 37 is what, 62, okay. Next question, this one 35 and 29 29, 35 plus 29, okay. Ab dekho 35 mein unit place pe 5 hai, 29 mein unit place pe 9 hai, to aapko kya karna hai, pehle 5 plus 9, okay. To jab 5 aur 9 add karoge, so you will get 9 plus 5 14, right. तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे 4 लिखोगे और 1 कैरी करोगे, राइट. आप 4 लिखोगे और 1 कैरी करोगे. नेक्स्ट 3 प्लस 2 इज 5 एंड 5 में आप ये जो कैरी डिजिट है आप वो भी ऐड करोगे. सो 5 प्लस 1 इज व्हाट, 6, ओके. सो हियर इट इज 35 प्लस 29 इज व्हाट, 6464, ओके, 6464. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 42, 1, 9, 19, ओके. आपको क्या करना है, 42 में 19 ऐड करना है, ओके. तो सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे 2 और 9 है वो क्या करना है, ऐड करना है, राइट. सो 2 प्लस 9 इज 11, तो आप 1 यहाँ लिखोगे और 1 कैरी करोगे, राइट. 11 इज द टू डिजिट नंबर, तो फर्स्ट यूनिट प्लेस वाला नंबर डिजिट आप यहाँ लिखोगे और 1 यहाँ लिखोगे, ओके, कैरी करोगे. सो अब आपको ऐड करना है 4 प्लस 1, 10th डिजिट वाले नंबर को ऐड करना है. सो 4 प्लस 1 5, और जो आपने कैरी करे हो जो डिजिट, दैट इज 1, 1 को आपने कैरी करे ना, तो 1 भी आप क्या करोगे उसमें ऐड करोगे. सो 5 प्लस 1 6, ओके. तो आप यहाँ पे लिखोगे 6. सो 42 प्लस 19 इज व्हाट, 6161, ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर इज 2727, ओके. एंड हियर इट इज 3 टेंस एंड 4 यूनिट्स, मींस 34. अब 27 और 34 को ऐड करना है आपको. नाउ लुक हियर, 27 में यूनिट डिजिट कौन सा है, 4. 27 में यूनिट डिजिट 7 है, 34 में यूनिट डिजिट 4. तो 7 में आपको क्या करना है, 4 ऐड करना है. सो 7 प्लस 4 इज व्हाट,
इलेवन. ओके सो हियर यू विल राइट वन. इलेवन में भी दो डिजिट्स है ना, तो आप यहाँ क्या करोगे, पहले यूनिट प्लेस वाला डिजिट लिखोगे और यहाँ पे फिर वन कैरी कर दोगे, राइट. सो नाउ टू प्लस थ्री फाइव प्लस वन सिक्स, सो हियर इट इज सिक्स वन सिक्सटी वन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर फोर फोर्टी फोर एंड टू सेवन ट्वेंटी सेवन. अब क्या करना है, फोर्टी फोर ट्वेंटी सेवन को ऐड करना है. तो फोर्टी फोर में, फोर्टी फोर में पहले यूनिट प्लेस कौन सा है, फॉर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, फोर. एंड देन ट्वेंटी सेवन में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, सेवन. अब क्या करोगे, पहले सेवन और फोर को ऐड करोगे. ओके सेवन प्लस फोर इलेवन, सो वन यू विल राइट हियर एंड वन आप क्या करोगे, कैरी करोगे. ओके नाउ फोर प्लस टू इज सिक्स एंड सिक्स में आपको क्या करना है, वन ऐड करना है. सो हियर फोर प्लस टू सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन वन सेवेंटी वन. ओके क्लियर, मीन्स फोर्टी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी टू इज वॉट, सेवेंटी वन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर नाइन फोर्टी नाइन. अब फोर्टी नाइन में आपको क्या करना है, थ्री ऐड करना है. फोर्टी नाइन में थ्री ऐड करना है. ओके नाउ यूनिट प्लेस पे क्या है, नाइन एंड थ्री. सो नाइन और थ्री आप क्या करोगे, ऐड करोगे. सो नाइन प्लस थ्री इलेवन. सो अगेन इलेवन इज द यूनिट टू डिजिट नंबर, तो आप वन यहाँ पे लिखोगे और वन कैरी करोगे. ओके नेक्स्ट. अब टेंथ प्लेस पे हियर इट इज ओनली फोर, राइट. नेक्स्ट डिजिट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, प्लेस खाली है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपली फोर में जो कैरी डिजिट है वो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. सो फोर प्लस वन फाइव, राइट. सो इट मीन्स फोर्टी नाइन प्लस थ्री इज फिफ्टी वन, फाइव वन फिफ्टी वन. ओके नेक्स्ट. टेंथ प्लेस पे फाइव है, यूनिट प्लेस पे फाइव है. सो फाइव फाइव फिफ्टी फाइव. एंड देन फिफ्टी फाइव में आपको क्या करना है, एट ऐड करना. ओके फिफ्टी फाइव में आपको एट ऐड करना है. सो सबसे पहले यूनिट प्लेस पे फाइव है, फाइव प्लस एट. फाइव प्लस एट इज वॉट, थर्टीन, राइट. फाइव प्लस एट थर्टीन. तो आप क्या करोगे, थर्टीन में देखो थ्री यूनिट प्लेस पे ना, तो आप यहाँ पे थ्री लिखोगे, है ना. और वन टेंथ प्लेस पे, तो उसको यहाँ पे टेंथ प्लेस पे कैरी करोगे. ओके ना नेक्स्ट. फाइव के नीचे नेक्स्ट डिजिट नहीं है कुछ भी, तो सिंपली आप क्या करोगे, फाइव को ये जो कैरी डिजिट है उसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. सो फाइव प्लस वन, फाइव प्लस वन इज वॉट सिक्स. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर यू विल राइट सिक्स, मीन्स फिफ्टी फाइव प्लस एट इज सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स नाइन सिक्सटी नाइन. अब आपको 69 में क्या करना है, 9 ऐड करना है. सो 9 तो सिंगल डिजिट है, राइट. तो उसको जो यूनिट प्लेस पे है 9, उसमें आपको ऐड करना है 9 प्लस 9. 9 प्लस 9 इज 18, राइट. 18 इज अगेन टू डिजिट नंबर, सो यू विल राइट 8 हियर इन द यूनिट प्लेस. एट द यूनिट प्लेस यू विल राइट 8 एंड 1 क्या करोगे, आप टेंथ प्लेस पे कैरी करोगे, राइट. सो नाउ लुक, 6 के नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं, तो आप सिंपली सिक्स को भी क्या करोगे, जो आपने कैरी करे हो जो डिजिट, दैट इज वन. तो वन में आप क्या कर दोगे, सिक्स को ऐड करोगे. सिक्स प्लस वन इज सेवन, इट मीन्स हियर इट इज सेवन एंड एट. सो देयरफॉर 69 प्लस 9 इज 78, 78. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. सिक्स टेंस थ्री यूनिट्स मीन्स 63, टू टेंस 8 units means 28. Now you have to add 63 and 28. अब 3 tens place पे है और 8 भी tens place पे, तो पहले आप क्या करोगे, 3 और 8 को add करोगे. So 3 plus 8 is what? 11, right? So here you will write 1 and 1 आप क्या करोगे, tens place पे carry करोगे. Next digit is 6 and 2. तो 6 plus 2 is what? 8. और 8 में फिर आप ये जो कैरी डिजिट है वो भी ऐड करोगे. तो 8 प्लस 1 9, मीन्स हियर इट इज 91. सो देयरफॉर 63 प्लस 28 इज 9191. ओके गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन. 6 टेंस 5 यूनिट्स मीन्स 65, टू टेंस एंड सिक्स यूनिट्स मीन्स 20
सिक्स ओके। आपको 65 एंड 26 को ऐड करना है। तो पहले देखो 65 में यूनिट प्लेस पे 5 है राइट, और जो 26 है उसमें यूनिट प्लेस पे 6 है। तो आप क्या करोगे, पहले 5 और 6 को ऐड करोगे। सो 5 प्लस 6 इज व्हाट 11। 11 में दो डिजिट है राइट, तो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस है ना। तो यूनिट प्लेस वाला पे, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो आप यूनिट्स प्लेस पे लिखोगे राइट। हियर यू विल राइट 1। और जो ये वाला 1 है वो क्या कर दोगे, आप कैरी कर दोगे टेंस पोजीशन पे करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टेंस डिजिट्स को ऐड करोगे। टेंस पे कौन कौन से डिजिट है देखो, 6 एंड 2, 6 प्लस 2 8 राइट। अब 8 में आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। सो 8 प्लस 1 9, मीन्स 65 प्लस 26 इज 91 ओके। Understood properly? So here all these examples we have completed using the method of addition by carrying over. Okay? So what are the important points of this chapter? We cannot put a number bigger than 9 in the units place, right? मतलब हम लोग जो 9 से अगर greater number आ गया तो units place पे आप उसको नहीं लिख सकते हैं। That is 10, 11, 12. उसमें आपको split करना पड़ेगा unit और tens में, है ना। जैसे कि अगर 10 हो गया तो आपने क्या करोगे, उसमें जो unit प्लेस पर जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है सिर्फ वो लिख सकते हो आप यूनिट प्लेस पर, और जो वन है उसको आपको कैरी करना पड़ेगा ओके। सो ये हम लोग ने पढ़े आगे, दैट इज वाई वी मेक अ बंडल ऑफ 10 एंड मूव इट इनटू द टेंस प्लेस, दैट यूनिट्स आर सिंगल आइटम्स ओके। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो टेंस पोजिशन पे नंबर होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग कैरी करते हैं ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, व्हेन एडिंग नंबर्स फर्स्ट ऐड द नंबर्स इन यूनिट्स प्लेस ओके। मतलब जब भी आप नंबर्स को ऐड करोगे सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप सबसे पहले यूनिट्स डिजिट को क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पे 1414 है एंड यहाँ पे 2929, तो 14 में यूनिट डिजिट कौन सा है 4 एंड 29 में यूनिट डिजिट 9 है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिट डिजिट्स को ऐड करोगे, और जो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, टेंस डिजिट्स को ऐड करोगे। अंडरस्टूड प्रॉपरली?